नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास। फिरोजाबाद जिले के सुहावाद नगर में महाराजा अग्रसेन जी की आराध्य शक्ति कुलदेवी महामाई माता जी लक्ष्मी की आशीर्वाद रथ यात्रा आगरोहा धाम से चलकर नगर में प्रवेश होते ही अग्रवाल बंधुओं ने बड़े ही उत्साह के साथ जयकारे लगाते हुए यात्रा का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को अग्रवाल समाज की तरफ से जगह जगह अल्पाहार एवं जलपान कराया गया। यात्रा का शुभारंभ काली देवी मंदिर से पूजा अर्चना एवं आरती एवं भव्य श्रृंगार के साथ हुआ। यहाँ पर राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने अग्रसेन महाराज के जीवन व माँ लक्ष्मी के अवतरण संबंधी जानकारी साझा की। यात्रा में जो गुरुजन आए उन्होंने महाराजा अग्रसेन के जीवन और उनके सिद्धांतों के बारे में विस्तार से बताते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आग्रह किया। रथ यात्रा काली देवी मंदिर, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक नारायण त्राया, तहसील त्राया, पक्का तालाब, कटरा बाजार होते हुए अग्रवाल पंचायत धर्मशाला पर जगमापन हुई। इस बीच यात्रा का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। पदाधिकारियों ने बताया कि रथ यात्रा का अध्यय समाज में भाईचारे का माहौल बनाने व आगरोह धाम में महालक्ष्मी मंदिर के लिए सहयोग जुटाना है। इस दौरान समाज के पदाधिकारियों ने अग्रबंधुओं से अधिक से अधिक सहयोग करने का आह्वान। इस अवसर पर युवा टीम रथ यात्रा को सफल बनाने में जुटी रही। इस रथ यात्रा में अग्रवाल समाज बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। रथ यात्रा के साथ आए समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि आगरोहा धाम में 18 रथ यात्राएं एक साथ रवाना की गई हैं। ये यात्राएं पूरे भारत के प्रत्येक जिले, नगर, कस्बे से होते हुए अग्रवाल समाज को जागरूक करने तथा आगरोहा धाम पर बनने वाले भव्य मंदिर के लिए सहयोग जुटाएगी। मंदिर 108 फीट ऊंचा और 108 फीट चौड़ा चांदी से बनने वाले मंदिर के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर अशोक अग्रवाल, महेश अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, संजय गोयल, राजेश अग्रवाल, सुधीर गोयल, सुधीर मित्तल, प्रदीप बंसल, विजय अग्रवाल, शेखर अग्रवाल, मुकेश बंसल, जानकी प्रसाद गर्ग, जयंती प्रसाद अग्रवाल, राम अवतार, राम नारायण मित्तल, अनिल बंसल, संजीव लाला, मोहन अग्रवाल, राजेंद्र राकेश, मोहित बंसल, रमेश चंद, अजय जिंदल, अजय रवि, अतुल सुरेश के अलावा सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। गोवा यात्रा निकाली जा रही है। पूरे विश्व में अग्रवाल समाज की कुल देवी महारानी महालक्ष्मी के मंदिर की स्थापना विश्व स्तर पर अग्रवाल में होने जा रही है। जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर और एक राज्य मंदिर होगा, उसकी स्थापना के लिए अग्रवाल समाज को एक करने के लिए पूरे विश्व में यह यात्रा निकाली जा रही है। जो हरियाणा के भगवान महाराजा अग्रसेन जी के प्रवर्तक जो हमारे हैं उनके स्थल के कारण लोकप्रिय समाप्त होगी। 90 दिन के लिए यात्रा है। ये महालक्ष्मी का विश्व का सबसे ऊंचा पकड़ा मंदिर है। आज शिकोहावाद नगर का सौभाग्य है कि अग्रोहा से चलकर शिकोहावाद में एक भव्य अग्रवालों की कुल देवी माँ लक्ष्मी जी की जन जागरण यात्रा का पदार्पण हुआ है, जिसमें समस्त अग्रवाल समाज बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। इस जन जागरण का अभियान का तात्पर्य केवल इतना है कि जो अग्रोहा में एक माँ कुल देवी जी की भव्य मंदिर की स्थापना हो रही है, उसके लिए हर शहर पूरे भारत में अग्रवालों के प्रति जलग अलग जगाना और हर घर से एक रुपया, जो हमारे महाराज जी का सिद्धांत था एक रुपया एक ईंट का, वो हर घर से प्राप्त करना, जिससे कि मंदिर को एक भव्य रूप दिया जा सके। माता कुल देवी महालक्ष्मी की ये शोभा यात्रा है जो पूरे देश में भ्रमण कर रही है। वर्तमान में 18 राज्यों में ये शोभा यात्रा निरंतर अग्रसर है। इसके संदर्भ में मूल ये है, हमारे मतलब अग्र प्रवर्तक श्री महाराजा अग्रसेन जी के अग्रोहा धाम में माता कुल देवी महालक्ष्मी का एक बहुत दिव्य सुंदर मंदिर बन रहा है। तो इस पूरे देश में अग्रबंधुओं के बीच में एक जन जागरण अभियान है, उसके तहत ये यात्रा चल रही है। और जो महाराजा हमारे अग्र प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन जी का जो एक उद्देश्य था कि एक रुपया और एक ईंट, उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो हमारे अग्रबंधु हैं वो एक रुपया एक ईंट को आज 500 रुपये का
समर्पण राशि रखी गई है, जिसको बहुत जोश उल्लास से सभी लोग उसमें भाग ले रहे हैं। ये यात्रा का उद्देश्य एक तो जन जागरण है अग्रबंधियों के बीच में, और साथ साथ जो माता महालक्ष्मी का एक मंदिर है उसके लिए एक धनराशि एकत्रित करना। यद्यपि गुजरात का एक ही अग्रवाल परिवार माता लक्ष्मी के पूरे मंदिर को बनाने को तैयार था, वो 10,000 करोड़ रुपये देने को तैयार था, लेकिन उसको नहीं लिया गया, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य ये है कि पूरे भारतवर्ष में जो हमारे अग्रवाल परिवार हैं उनका 1 रुपया 1 मिनट का जो लक्ष्य महाराज जी का था, वो समर्पण राशि एक दान के रूप में उनकी मूर्ति से माता महालक्ष्मी के मंदिर में समर्पित हो, ये उद्देश्य है इस यात्रा का।